गुड़वा मंगल को लेकर हनुमान मंदिरों में आस्था का सैलाब, पनकी मंदिर समेत सभी जगह उमड़ रहे श्रद्धालु। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, भारत पाक के बीच कम हुआ है तनाव, पिछले दो हफ्तों के मुकाबले दोनों देशों के बीच कम हुई है कड़वाहट। इसरो ने अब तक नहीं छोड़ी है उम्मीद, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर असफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब तक इसरो के वैज्ञानिक जुटे हैं संपर्क। और अब खबरें विस्तार से। भाद्रपद माह के अंतिम मंगलवार को पुड़वा मंगल मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी के दर्शन व पूजन से विशेष लाभ मिलता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मंगलवार के दिन बजरंग बली की आराधना करता है उसे समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा बजरंग बली पवन पुत्र अंजनी पुत्र जी के दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा व दर्शन करना शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी ने लंका दहन किया था। बुड़वा मंगल पर कानपुर के हनुमान मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भोर पहर से ही पनकी हनुमान मंदिर में भक्त पहुंचने लगे। सुबह होते ही पंचमुखी हनुमान मंदिर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कानपुर और आसपास के जिलों के अलावा यहां दूसरे प्रदेशों के श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। यही कारण है कि भाटिया तिराहे से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। आपको बता दें कि मंदिर के आसपास के इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आईजी मोहित अग्रवाल, एसएसपी अनंत देव समेत कई थानों का फोर्स पहुंचा। आईजी ने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनन्य शिष्य, अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज, जिनका की आज पूरा उत्तर प्रदेश, कानपुर शहर ही नहीं, सारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य भी जिले आज इस महान पर्व को महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और आपके मीडिया के द्वारा भी ये संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग आते हैं यहाँ और हनुमान जी के दर्शन करके अपनी मनोकामना को। जालौन में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से जुड़े 20 गांवों की तस्वीर को बदलने के लिए डीएम मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में उरई के विकास भवन में बैठक की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव खास तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर गांव में बुनियादी सुविधाओं को धरातल पर लाने के लिए प्रधानों और विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि योजना उन गांवों को लाभ पहुंचाया जाएगा जहां पर 50% से ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं। जिले में ऐसे 20 गांवों को चिन्हित किया गया है। प्रथम फेज में 10 और द्वितीय फेज में 10, कुल मिला के 20 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चयनित किए गए हैं। इन गांवों के चयन का मुख्य आधार उस गांव में 50% से ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का निवासी होना है। इनमें जो आदर्श गांव की संकल्पना में ये निहित है कि हम उनमें वो सभी विकास की सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ जो एक शहरी क्षेत्र में होता है, और इसके लिए ही आज ये एक ट्रेनिंग का कार्यशाला रखी गई है जिसमें इन सभी 20 गांव के प्रधान कर्मचारी और उसमें जुड़े हुए अन्य विभागीय अधिकारी भी सम्मिलित हुए हैं। सर, तो प्रशिक्षण में किस बातों का ख्याल रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, या किस तरह से इसको कार्य योजना किस तरह से तैयार है? इसमें गाँव के विकास के लिए विलेज डेवलपमेंट प्लान बनना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि उस गांव की आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाए। प्रत्येक परिवार का सर्वे किया जाना है, उनमें उनके पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या क्या सुविधाएं वांछित हैं, इस तरह की सूचना एकत्र की जानी है। हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है कि इनके सूचनाओं के संकलन में
एकदम गुणवत्तापूर्ण संकलन किया जाए, सो दैट जितना ही गुणवत्तापूर्ण हमारा ये संकलन होगा, सर्वे होगा, उतनी अच्छी हमारी विलेज डेवलपमेंट प्लान बन पाएगा और उसी का अनुभव हम लोग। तमाम मशक्कत के बाद भी झोला छाप पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जहां चित्रकूट में झोला छाप की वजह से मासूम की जान चली गई, मानिकपुर कस्बे के आर्य नगर में अवैध तरीके से क्लिनिक चला रहे झोला छाप की वजह से मारकुंडी गांव की 3 साल की मासूम की मौत हो गई। मासूम मामूली बुखार से पीड़ित थी, वही घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ को अभियान चलाकर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सीएमओ ने ब्लॉक स्तर पर टीम बनाकर झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया और चेतावनी दी कि बिना डिग्री और रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चला रहे झोला छाप अपना दवा खाना बंद कर दें, नहीं तो अभियान के दौरान पकड़े जाने पर FIR दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। डॉक्टरों का सवाल है तो जिनके पास चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु कोई डिग्री नहीं है या हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है और अगर वो चिकित्सा अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, धीरे धीरे 1x1 होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर पुलिस विभाग का भी सहयोग मिल जाए तो जिनके FIR होती है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, एक तो अंदर चला जाए तो थोड़ा दहशत होगी। इस तरह के लोग जो जान से खेलते हैं, जिन पर कोई डिग्री नहीं है, तो वो फिर छोड़ भागेंगे या अंदर जाएंगे। तो इसमें मेरा यही कहना है, मेरी अधीक्षक से बात हुई है, उसमें FIR कराई जाए। ये बहुत गंभीर मामला है सीएमओ साहब, इस पे उनको हमने लिखा पढ़ी में भी कहा है। अब तक कितने FIR कराए आपने? तो मानिकपुर में कराए हैं। इसका विस्तृत विवरण आप हमारे पास भिजवा दीजिएगा। देखिए इसमें हम निरंतर इनको मैंने निर्देशित किया है, निरंतर इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। झांसी में हर साल की तरह राधे कृष्णा चाट भंडार की ओर से एक अनोखा प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। हर साल इसमें डोसा को प्रसाद में बांटा जाता है, लेकिन इस बार राधे कृष्णा चाट की ओर से आलू की टिकिया का प्रसाद हजारों की संख्या में भक्तों को बांटा गया। जहां शिवपुरी रोड नंदनपुरा चौराहे पर कैंप लगाकर प्रसाद बांटा गया, इस प्रसाद का वितरण गणेश प्रतिमा की मूर्ति विसर्जन करने वाले भक्तों और राहगीरों को बांटा गया। झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के कुशल निर्देशन और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में बढ़ रही लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हाईवे पर ट्रक की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो ट्रक लूटने के प्रयास में थे और उनके पास से तमंचा, एक मैगजीन, 3 कारतूस बरामद किए। सात तारीख को अभी ये लोग मेडिकल किराए से बैठ करके एक ट्रक को लूटने का ट्रक में जो बैठे थे उनके पास जो पैसे रहते थे उसको लूटने का प्रयास किया। इस पे ड्राइवर की सतर्कता शोर मचाने से पुलिस और पब्लिक के सहयोग से इनको पकड़ा गया। इनको पकड़ा गया तो पूर्व में एक घटना जिसमें इन्होंने एक क्लीनर को घायल कर दिया था और एक उसके साथ क्लीनर की हत्या कारित की थी लूट के दौरान और ड्राइवर को घायल कर दिया था, उस घटना का भी खुलासा हुआ है। कल जो अरेस्ट हुए हैं इसमें 4 लोग थे, इन्होंने लूट का
लूट करने में सफल नहीं हुए, लूट का प्रयास किया और सक्रियता की वजह से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और पूर्व में इन्होंने जो पूछ के अंतर्गत बिजली दरों पर बड़े मूल्यों को लेकर समाजवादी पार्टी के आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने फूलबाग गांधी प्रतिमा पर धरना दिया। इस मौके पर उनके साथ आए समर्थकों ने हाथ का पंखा डोलाकर और लालटेन लेकर प्रदर्शन किया। पोस्टर बैनर के साथ हुए इस प्रदर्शन में विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है और मूल्यों में लगातार वृद्धि की जा रही है, अब जनता इसको और बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्द ही सरकार की ओर से अपना फैसला नहीं बदला गया तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन होगा। मामले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं संघ विधायक ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। नोटबंदी लगा के व्यापार चौपट किया, फिर GST लगा के व्यापार चौपट किया। जब आज आम आदमी कमर टूट चुकी है, लोगों के व्यापार में मंदी चल रही है, नौकरियां मिल नहीं रही, ऐसी परिस्थिति में सरकार ने दोहरा हमला कर दिया है। अब बिजली के दाम भी बढ़ा दिए हैं। बिजली के दाम बढ़ने से जहां बिजली के बिल बढ़ के आएंगे, वहीं महंगाई का भी सामना जनता को करना पड़ेगा। ये सरकार के लिए चेतावनी है कि गरीब जनता पे ये बोझ न डाले बल्कि बढ़े हुए दाम वापस ले ले, अन्यथा समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। श्री ब्रह्मानंद सनातन धर्म महामंडल द्वारा संचालित BNST इंटर कॉलेज और BNST शिक्षा निकेतन को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर BNST शिक्षा निकेतन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद देवेंद्र सिंह भोले भी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर दिवाकर मिश्र और डॉक्टर ममता तिवारी समेत कई सदस्यों का सम्मान हुआ। के लिए बड़े गौरव का विषय है कि महामंडल द्वारा संचालित दोनों संस्थाएं BNST शिक्षा निकेतन और BNST इंटर कॉलेज चुन्नीगंज से दो लोगों को राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्य पुरस्कार में डॉक्टर दिवाकर मिश्रा और यहाँ BNST शिक्षा निकेतन की प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता तिवारी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम सभी के लिए गौरव का इसलिए बात है, कानपुर को ये दोनों पुरस्कार मिले हैं और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों संस्थान श्री ब्रह्मा और सनातन धर्म महामंडल द्वारा संचालित है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। शाही अंदाज खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट ग्रैंड गीत होटल द मॉल कानपुर। न्यूट्रेला सोया चंक, इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडों या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। न्यूट्रेला, हेल्दी रहना सिंपल है। शहर में पहली बार 3 धमाके एक साथ, ट्रिपल सेल स्कीम अप टू 62% ऑफ ट्रेडगन सारी। शहर में पहली बार सेल स्कीम के साथ दूसरी सेल स्कीम का लाभ उठाइए। अभी बात यही खत्म नहीं हुई है, प्रत्येक 5,000 की खरीद पर एक डोनर का पैंट शर्ट जिसकी MRP 630
रुपए पाए बिल्कुल मुफ्त, जल्दी आए जल्दी पाए, इसकी अवधि बहुत लिमिटेड है। श्रीनगर सारीस दर्शनपुरवा एवं तिलक नगर कानपुर। मम्मा बैग बहुत हैवी है। दूध अंडा दाल सब देती हूँ पर ताकत फिर भी नहीं। सिर्फ ये सब काफी नहीं है, उसे रोज दे धाकड़ प्रोटीन। वो किस में है? हथनी के दूध में, शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसकी सुनू? न्यूट्रेला सोया चंक्स की सुन। इसमें है 52% धाकड़ प्रोटीन जो 15 कटोरी दाल या 16 अंडे या 17 दूध के ग्लास के बराबर है। हेल्दी रहना सिंपल है। कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, टेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रति माह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। आपका स्वागत है और इस बीच बड़ी खबर कासगंज से। कासगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी। दो बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंज डुंडवारा के गांव अलावलपुर की एक घटना, जहां युवक की गोली मारकर की गई हत्या। हत्या से इलाके में सनसनी, दो बदमाशों ने की गोली मारकर हत्या। बड़ी खबर कासगंज से। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंज डुंडवारा गांव के अलावलपुर की एक घटना, जहां युवक की गोली मारकर की गई हत्या। युवक की गोली मारकर हत्या से सनसनी, दो बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गंज डुंडवारा गांव के अलावलपुर की एक घटना। बड़ी खबर कासगंज से। कासगंज से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर की गई हत्या। हत्या के इस मामले से इलाके में सनसनी। दो बदमाशों ने गोली मारकर की युवक की हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे बढ़ते हैं। बांदा जनपद के बबेरू तहसील में ग्राम अलेहा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को संबोधित शिकायती पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान, सचिव व पंचायती मित्र पर 20,000 रुपए लेकर आवास दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही आवास आवंटन में किसी भी मापदंड के पालन न करने की भी शिकायत की। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द ही जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
योगी सरकार में विद्युत दरों में बढ़ोतरी के फैसले का विरोध जारी है। उसी कड़ी में बांदा में राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें तत्काल प्रभाव से बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने, शहरी उपभोक्ताओं के प्रति यूनिट बढ़ोतरी, फिक्स चार्ज व घरेलू चार्ज में रियायत और दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने की मांग की गई। बांदा के बबेरू तहसील में मुरवल गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधानपति पर गांव के दबंगों के साथ मिलकर सरकारी तालाब पर अवैध अतिक्रमण कर सीसी रोड बनाए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही पास के एक अन्य तालाब में भी अवैध कब्जे की शिकायत जिलाधिकारी से की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस मामले में पहले भी मामले की शिकायत की गई थी, लेकिन तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रधानपति व गाँव के दबंग का तालाब में सीसी रोड बनाने का काम जारी है, जबकि मामले की हाईकोर्ट से भी रिट लंबित पड़ी है। जी ग्राम पंचायत मुरवल के जी हमारे गांव में एक तालाब है जी, सरकारी तालाब है, जो कि तालाबों में जो ग्राम प्रधानपति द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी हमने शिकायत किया था माननीय जिलाधिकारी के यहाँ, माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ, माननीय एसडीएम साहब के यहाँ। उन्होंने मौके में बुला करके प्रधान को मना कर दिया था, मौके में जाँच करवाई थी लेखपालों से, लेखपालों ने जाकर के मना किया। इसके बावजूद भी प्रधानपति दबंग होने के कारण रात में उसने मशीन लगाकर चोरी चोरी वहाँ पर अतिक्रमण कर रहा है, तालाब को खुलवा रहा है, वहाँ सीसी रोड डलवा रहा है, जिसकी शिकायत कर रहे हैं हमने जिलाधिकारी महोदय जी के पास, पुनः फिर आए। और इस बीच बड़ी खबर कन्नौज से। कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ओवरलोडिंग की सूचना पर छापा मारने गए एआरटीओ से बदसलूकी की गई। एआरटीओ संजय झा से मंडी समिति कर्मचारियों ने की अभद्रता। ओवरलोड 2 ट्रकों को एआरटीओ ने मौके पर पकड़ा, किया सीज। एआरटीओ पर मंडी कर्मचारी बना रहे थे दबाव। सदर क्षेत्र के नवीन मंडी परिसर का ये मामला, जहां ओवरलोडिंग की सूचना पर छापा मारने गए एआरटीओ से बदसलूकी। एआरटीओ संजय झा से मंडी समिति कर्मचारियों ने की अभद्रता। ओवरलोड 2 ट्रकों को एआरटीओ ने मौके पर पकड़ा, सीज किया। एआरटीओ पर मंडी कर्मचारी बना रहे थे दबाव। और हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ बताएंगे इस खबर पर आप हमें? बता दें आपको, ओवरलोडिंग की सूचना पर छापेमारी करने गए एआरटीओ संजय झा मंडी सीमित कर्मचारियों से काफी देर तक नोकझोंक हुई। बता दें मंडी सीमित कन्नौज में ओवरलोडिंग का खेल काफी समय से चल रहा है, जिसकी जानकारी एआरटीओ को हुई है। उन्होंने छापा मारा, तभी कहीं ना कहीं मंडी सीमित कर्मचारी इसका विरोध करने लगे। सीधा कहना था कि कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग की चेकिंग मंडी सीमित परिसर में ना की जाए, और उसी के लेकर जब नोकझोंक हुई, काफी देर तक नोकझोंक हुई, तब उन्होंने 2 ट्रकों को जो ओवरलोडिंग ट्रक थे उनको 2 ट्रकों को सीज कर दिया है। जी बिल्कुल, और जैसे कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था एआरटीओ को, किस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उन पर, क्या कुछ बताया उन्होंने? जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ओवरलोडिंग जो मंडी सीमित से वाहन चल रहे हैं उसमें ओवरलोडिंग चेक ना की जाए, उनका चालान या सीज ना किया जाए। कहीं ना कहीं घपलाबाजी जो मंडी सीमित द्वारा ही की जा रही थी, उसके पक्ष में पूरा मंडी सीमित कर्मचारी दिखा और पक्ष कर रहा था। इसी के विरोध में जब एआरटीओ द्वारा चेकिंग की गई, तभी 2 ट्रकों को सीज किया गया।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए हमें इस खबर पर। बड़ी खबर कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां ओवरलोडिंग की सूचना पर छापा मारने गए एआरटीओ से बदसलूकी की गई। एआरटीओ संजय झा ने मंडी समिति एआरटीओ संजय झा से मंडी समिति के कर्मचारियों ने अभद्रता की। ओवरलोड दो ट्रकों को मौके पर पकड़ा गया, सीज किया गया। बता दें कि एआरटीओ पर मंडी कर्मचारी दबाव बना रहे थे। सदर क्षेत्र के नवीन मंडी परिसर का मामला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार।